हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। तो दोस्तों, एमपी बोर्ड 12th क्लास 12वीं परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। क्या महत्वपूर्ण फैसला है वो आप जैसा कि साइड में एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला गया है कि अब सभी छात्रों की होगी कोरोना की जाँच। जब आप 9 जून से एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जाओगे तो आपके जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पर सभी छात्रों की कोरोना जांच कराई जाएगी थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा। क्या लिखा गया है नोटिस में, ऑफिशियल नोटिस में, वो हम इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। तो जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है बारी पर अच्छा से हर एक अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दें। कोई प्रॉब्लम आती है कॉमेंट जरूर करना, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। कब आया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन? 5 जून 2020 को जारी किया गया था। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 5 जून 2020 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और दोस्तों, कहाँ से डाउनलोड, जो कि जारी किया गया है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की तरफ से 5 जून को जो कि जारी किया गया है। क्या लिखा गया है इस नोटिस में, विषय सब्जेक्ट मंडल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2020 की शेष बची परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था बाबत। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप के देखना है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके। क्या लिखा गया है, जो शेष परीक्षाएँ आपकी रह गई हैं उन शेष परीक्षाओं को व्यवस्था करने बाबत, जो शेष परीक्षाएँ उन शेष परीक्षाओं की परीक्षा केंद्रों पर सही तरीके से व्यवस्था करनी है, साथ ही क्या क्या व्यवस्था की जाएंगी और आपके लिए किस तरह से जांच होगी कोरोना की, वो हम देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2020 की शेष परीक्षाएं दिनांक 9 जून से आयोजित होना है। भारत सरकार गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप मंडल द्वारा परीक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में व्याप्त कोरोना संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त परामर्श अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के संबंध में परीक्षा केंद्रों पर निम्नानुसार व्यवस्थाएँ की जाएगी। तो छात्रों के संबंध में की जाएंगी दोस्तों, किसके संबंध में, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके लिए क्या क्या सुविधाएँ की जाएंगी और आपकी जाँच किस से की जाएगी। तो नंबर 3 फैक्ट इसमें बताए गए हैं दोस्तों 3 फैक्ट बताए गए हैं, 1, 2, 3 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले जब आपकी एंट्री होगी तो एंट्री गेट पर ही आपकी सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग में अगर आपका टेम्परेचर अधिक पाया जाता है या टेम्परेचर सामान्य होने पर भी उसमें अगर सर्दी जुकाम जैसे अगर आपको लक्षण पाए जाते हैं तो आपको परीक्षा केंद्र पर एक आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा, एक आइसोलेशन रूम बनाया जाएगा। उस आइसोलेशन रूम में बैठाकर आपको अलग से परीक्षा देनी होगी अगर आपका टेम्परेचर अधिक पाया जाता है या टेम्परेचर सामान्य आपका नॉर्मल टेम्परेचर है फिर भी अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम जैसे लक्षण मिल रहे हैं तो भी आपको परीक्षा केंद्र में एक अलग रूम बनाया जाएगा। उन सभी के लिए अलग रूम बनाए जाएंगे दोस्तों, लेकिन जो सभी छात्र देंगे उससे अलग हटकर आपके लिए रूम होगा, उस रूम में आपको अलग बैठकर परीक्षा देनी होगी अगर आपको टेम्परेचर पाया जाता है ज़्यादा और आपको सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण पाए जाते हैं। तो इसके बाद में सेकेंड नंबर में बोला गया है, थर्मल स्क्रीनिंग में तापमान अधिक होने के साथ उसमें सर्दी खांसी जुकाम जैसे लक्षण होने पर परीक्षार्थी को आइसोलेशन में परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है या आपको जैसे लक्षण पाए जाते हैं कोरोना संबंधी कोई भी लक्षण पाया जाता है तो भी आपको परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। बट उसके लिए क्या होगा, अलग से आपके लिए रूम में देना होगा, अलग रूम में जिसमें और कोई भी छात्र नहीं देंगे, ओनली आप ही देंगे एग्जाम्स तथा परीक्षा उपरांत कोरोना टेस्ट के लिए सलाह दी जाएगी तथा आपकी जो एग्जाम्स हो जाएगा उसके बाद में आपको कोरोना टेस्ट कराना होगा अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं तो। इसके बाद में 3 नंबर में क्या बोला गया है दोस्तों, इसके बाद 3 नंबर में बोला गया है, 3rd नंबर में, परीक्षा में संलग्न समस्त शिक्षक कर्मचारी अन्य अमले को भी नियमित रूप से स्क्रीनिंग कराई जाएगी। तो परीक्षा में जो भी समस्त शिक्षक आएंगे, टीचर्स आएंगे, जो भी कर्मचारी आएंगे या अन्य कोई भी व्यक्ति आता है तो सभी की नियमित रूप से स्क्रीनिंग कराई जाएगी। कौन सी स्क्रीनिंग? थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी सभी की, चाहे छात्रों की। दोस्तों, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपकी एंट्री गेट पर ही जो थर्मल स्क्रीनिंग करा ली जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना जरूरी था। तो दोस्तों, आप अपना टेम्परेचर ज़्यादा ना बनाए रखें, आप अपने घर पर ही रहें, आप अपनी अच्छी से तैयारी करें। 9 जून से एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, परसों से 9 जून से। तो दोस्तों, केमिस्ट्री का फर्स्ट एग्जाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 जून को ही जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो ऐसा कुछ भी ना हो कि आपको कोरोना संबंधी ऐसी
टेस्टिंग आपको कराई जानी पड़े, तो इसलिए आप घर पर रहें, अपने एग्जाम्स की तैयारी करें जिससे आपका एग्जाम अच्छे जाए। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है दोस्तों के साथ में, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करना। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लेना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।